कोरोना काल में परिस्थिति विपरीत से विपरीत होती जा रही है। आलम यह है कि जो रोज सामान बेचकर या फल फूल या सब्जी का ठेला लगाने वाले लोग, कमाने वाले लोग हैं, आज उनके सामने आर्थिक दिक्कत मौजूद है। यहाँ तक कि उनके पास खाने की दिक्कतें हो रही है, खाने तक की चीज़ें नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब वर्ग, जो बड़े व्यापारी थे या जो बड़े फल लगाते थे, ठेला लगाते थे, जिनकी दुकान है, आज वे भी सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर आकर अपना सामान बेच रहे हैं। अभी हम खड़े हैं शंकर नगर भगत सिंह चौक पर, जहां पर एक व्यापारी है जिसकी फल की दो दो दुकानें हैं, लेकिन आज मजबूरी में उसे इस कार में फल बेचना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस कार में फल रखे हुए, आम है, अंगूर है, कलिंदे हैं। तो कह सकते हैं मजबूरी में आज जिसकी दो दो दुकानें हैं, जिसके यहाँ 2 से 4 कर्मचारी काम करते हैं, आज उसे सड़क पर आकर इस कार में फल बेचना पड़ रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्यों इस तरह से, कैसी परिस्थिति है, क्या अपने बारे में बताएंगे। लगातार 20-20 दिन, 25-25 दिन लॉकडाउन रहेगा तो खर्चे घर के नहीं निकलते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा, आपकी कितनी दुकानें हैं और कहाँ पर हैं? मेरी एक दुकान मालवे रोड में और एक दुकान शंकर नगर में, दो दुकान है मेरी। अच्छा, तो आपके कर्मचारी भी काम करते हैं? जी, तीन स्टाफ है दोनों दुकानों में। अच्छा, अब तो आप खुद के खर्चे नहीं निकल पा रहे, तो कर्मचारियों को कहाँ से देंगे? बात बिल्कुल एक सही बोल रहे हो आप, खुद के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं कर्मचारी, अभी घर पर बैठे हैं। मैं किसी अभी स्टाफ को नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ही यहाँ पे से नहीं निकाल पाऊँगा, तो स्टाफ को पेमेंट कैसे करूँगा। अच्छा, ये आइडिया कैसा है कि लोग ठेले में बेचते हैं, ऑटो बेचते हैं, आप कार लेके निकल गए फल बेचने? अब मेरे पास जो व्यवस्था थी मैं उसी में बेचने निकल गया हूँ, ठेला वगैरह मेरे पास है नहीं। वह मेरे पास कार थी तो मैं बोला कार में ही खर्चे निकलने चाहिए घर के, इसलिए कार में ही निकल गया। तो आपका डीजल पेट्रोल तो इस पर बहुत ज़्यादा लग जाता है, कार में लगता तो है, अभी कैलकुलेशन किया नहीं हूँ, जब बेचने के बाद कैलकुलेशन करूँगा प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं, कोरोना हो ना हो, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए आप सड़क पर आज मजबूर हैं। जी, बिल्कुल मजबूर हैं। 15-15 लोगों की फैमिली है मेरी और खर्चे तो लगे हुए हैं, खर्चे तो बंद नहीं हो सकते। सरकार बहुत सारी योजनाएं दे रही है, चावल फ्री दे रही है, साधन दे रही है, सब चीज़ें उपचार फ्री दे रही है, क्या लाभ मिल रहा है आपको? मुझे तो नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का लाभ, गरीब वर्ग को किसको मिल रहा है मुझे ये भी नहीं पता, तो हमें तो नहीं मिलता है। आपको मतलब खुद कमाना है, खुद परिवार पालना है? जी, रोज कमाओ रोज खाओ। अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही रहता है, आगे बढ़ता है, तो क्या स्थिति होगी आपकी? आगे बढ़ता है तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर अगर गाड़ी का खर्चा नहीं निकलेगा तो ठेले पे लगाना पड़ेगा। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या अपील करेंगे आप? सरकार से 5 तारीख की जो डेडलाइन है वो आगे ना बढ़ाई जाए और लॉकडाउन खोल दिया जाए, क्योंकि सामान्य लोगों की स्थिति भी बहुत ख़राब हो रही है। ये है बेचारे फल व्यापारी जिनके खुद की दो दो दुकानें हैं, जिनके यहाँ 6-6 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज वे सड़क पर आ गए हैं और कार में फल बेचने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि जो लॉकडाउन की डेडलाइन दी गई है उसे न बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ये एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट दिखा था तो मैं बोला भाई इनका भी रिक्वायरमेंट कुछ होगा, इसलिए मैं रुका। अभी तक कहाँ से सब्जी लेते थे, फल लेते मैं रस्ते में लेता था और भिलाई में मैं ड्यूटी करता हूँ, तो आते आते ठेले वालों से ले लेते। दुकान है ठेले पे लेते हैं? जी ठेले से लेते हैं। कार में पहली बार ले रहे? जी पहली बार ले रहे। किसने मतलब पहली बार ले रहे आपने? कार में ले रहे पहली बार इसको। अब देखने वाली बात है कि सरकार आने वाले समय में लॉकडाउन को लेकर क्या निर्णय लेती है, और जो मध्यम वर्गीय हैं, छोटे व्यापारी हैं या सब्जी फेटर वाले हैं या फल वाले हैं, उनको राहत पहुँचाने के लिए क्या निर्णय लेती है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।